फ्री में एंटरटेनमेंट है तो। गुफा खुलती है 2 घंटे के लिए, यात्रा तभी पूर्ण होगी जब बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। पड़ी हुई है बर्फ, इनका भी खाने का स्टाइल अपने जैसा ही है। पुरानी गुफा का लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली मैं सोच के नहीं आया था घर से, बस मिल गए थे मेरे को। इस बार मैं सोच के आया था नहीं मिले। माता जी रुष चल रही है, बना लेंगे माता जी को भी यार। वेलकम बैक अगेन, गुड मॉर्निंग गाइस और जय माता दी। दोस्तों रात शाम को हमने कर लिए थे दर्शन और पुरानी गुफा से तो हो नहीं पाए थे, उसके लिए सॉरी। उसको तो वैसे भी दिखला नहीं सकते, बस वो हमारा भाग्य था कि पुरानी गुफा से नहीं हुआ। उस टाइम पे काम चल रहा था घर, अभी 2 दिन और चलेगा काम। तो फिलहाल सुबह के बज चुके हैं 7 और हम निकल चुके हैं बाबा भैरव की यात्रा पे, क्योंकि हमारी यात्रा तभी संपूर्ण होगी। सुबह हो चुकी है गाइस, इस टाइप का नज़ारा है सुबह का और हम जा रहे हैं बस अब ऊपर की तरफ। जय माता दी बोलते रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है। यात्रा तभी पूर्ण होगी जब बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। पर एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, बाबा भैरवनाथ जी इतने उल्टा काम कर दिया, फिर भी हमें उनके दर्शन करने पड़ते हैं। बस लास्ट में माफ़ी मांग ली, हम हर साल आके माता से माफ़ी मांगते हैं, माता फिर भी रुष्ट हो जाती है। आपका क्या कहना है इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। रुष्ट होती है और सीख देती है। पड़ेगी थोड़ी लार, ये ट्रायल करके देखते हैं सुबह सुबह। ओके लगी है फिर ये यात्रियों को ले जाना चालू कर देंगे। 351 है सीढ़ियाँ। तो फिलहाल गाइस हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ और अभी तो आधी भी नहीं करी, उससे पहले ही गर्म हो गया शरीर। हो गया ना, हो तो गया। अगर आपको चढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो रोप वे सेवा, 100 रुपये इसका चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है नीचे भवन से ही और ऊपर बाबा भैरव से अगर आप जा रहे तो। रिटर्न टिकट इसकी लेनी पड़ती है 100 रुपये। नीचे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तो आप सीधा नीचे हिमकोटी मार्ग पर आप कोई भी बैटरी कार सेवा ले सकते हैं, वो सीधा आपको छोड़ेगी नीचे कटरा को। थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा, बाकी धीरे धीरे पहुँच जाओगे। जय माता दी। हमने थोड़ा सा हीट होने के बाद ना मास्क भी उतार दिया यार, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल गर्म हो रखे थे कि सो के उठे थे हल्का सा और एकदम से नाक में जाती है ना तो यार मेरे को थोड़ी सी एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है तुरंत, तो इसलिए मास्क लगा रखा था। अब बॉडी हीट हो चुकी है, अब चाहे बर्फ में भी चले जाओ। बाबा भैरवनाथ जी की चढ़ाई थ्रू स्ट्रेयर्स। सो गाइस ये देखो, हाँ भाई चचा ये देखो, एक तरह तरह के नज़ारे देखने मिलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा में। तरह का कुछ नज़ारा है ऊपर पहाड़ का, त्रिकुटा पर्वत का, हल्की हल्की बर्फ भी आपको देखने को मिल सकती है। हम पहुंच चुके बाबा भैरवनाथ जी द्वार बिल्कुल, मेरे पीछे देख पा रहे हो वे टू रोप वे। इसी बात पे जय माता दी बोलो यार। सो गाइस फाइनली वी आर रीच अवर डेस्टिनेशन, अनदर माइलस्टोन एंड फिफ्थ स्टेप ऑफ आवर जर्नी इज बाबा भैरव। मतलब कंप्लीट करनी पड़ती है इसकी जर्नी तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और इसके बाद हम करेंगे दर्शन, प्रसाद लेके आएंगे, वो आपकी मर्जी है 10 का लेते हो, 20 का लेते हो, 50 का लेते हो। हमारे पीछे लंगूर वानर, भूख लगी है बेचारे को, देख रहा भी सोच रहा है कि बंदे इकट्ठे होने दो तो थोड़ा सा मस्ती करें, मतलब उनके लिए छीनना चपेटना। इनका भी खाने का स्टाइल अपने जैसा ही है। व्यू है पीछे का और त्रिकुटा पर्वत का कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। गुफा आम लोगों के लिए तो खुलती नहीं है अब, क्योंकि भीड़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हम तो अनफॉर्चुनेट रहे कि इस टाइम पे
गुफा खुलती है 2 घंटे के लिए, पर वर्क चल रहा था वहाँ पे, आज ही चलना था, कल तक खुली थी गुफा। गाइस हम लाएंगे अभी जाके प्रसाद, मतलब भेंट प्रसाद। क्यों दर्शन करने जरूरी है? वो दर्शन इसलिए करने जरूरी है क्योंकि जब माता वैष्णो देवी का अंत तक पीछा नहीं छोड़ा था बाबा भैरव ने, तो भवन के करीब जाके माता जी क्रोधित हो गई। तो माता ने गुस्से में आके अपना रुद्र अवतार माता दुर्गा का प्रकट किया और अपना त्रिशूल सीधा बाबा भैरव के गले पे दे मारा। तब जाके बाबा भैरव को प्रायश्चित हुआ कि नॉर्मल कन्या दिख रही थी, वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। उस टाइम पे उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, कह तुमने जाते टाइम मुझसे माफ़ी मांग ली, तो मैं इसके लिए आपकी मृत्यु तो नहीं रोक सकती, बट इतना जरूर कर सकती हूँ कि मेरी भक्ति के लिए, मेरे दर्शन के लिए जो भी कलयुग में भक्त आएगा वो आपके दर्शन किए बिना उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, उनके दर्शन संपूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो तभी से लोग ये कथा प्रचलित है दोस्तों कि माता वैष्णो देवी के दर्शन, पिंडी दर्शन के बाद में बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने पड़ते हैं, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। तो फिलहाल गाइस जा रहे हैं इधर भैरवनाथ जी के दर्शन करने। देख गाइस हमने कर लिया दर्शन, पीछे से कुछ ऐसा अंदर से फिलहाल गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर। हमने कर लिया दर्शन बाबा भैरवनाथ जी के और इसी के साथ हमारी यात्रा पूर्ण हुई। तो इसी के साथ बोलिए बाबा भैरवनाथ जी की जय और जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हमारी पूरी यात्रा आपको कैसी लगी, बताइए। बाकी अब आगे फनी मोमेंट्स जो भी होंगे वो आपको दिखलाएंगे। और इसे देखो वो खुजली कर रहा, देखो पीछे से। हम भी बैठ सकते हैं अगर आप इन्हें छेड़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे, प्रसाद दे देते हैं ये भी। गाइस देखो दूध पी रहा था, दूध पी रहा है, माइस की है, दूध पी रहा छोटू। देखो सो गाइस देखो इस टाइप की बर्फ पड़ी है नीचे। यो आमतौर पे ना हमेशा हमें सांझी छत के यहाँ दिखता है, पर इसे पड़ी हुई है बर्फ दूर दूर से आपको देखने को मिल जाएगी। नेचर हमने ऐसा बना दिया, पड़नी चाहिए जब पड़ती नहीं है, जब कुछ होना चाहिए जब होता नहीं है, अनप्रडिक्टेबल हो गया सब कुछ। क्या कर रहा है वो देखो क्या गाइस देख सकते हो, यहाँ से एक बार डिपार्ट करता है, एक बार अराइव करता है, आप खाई में कुदा देता है, आपको पूरे पैसे वसूल कर देगा, आपको एक बार लगेगा कि भाई क्रैश हो गया नीचे गया, फिर उठा देगा ऊपर। प्राइस चेक करना चाहते हो तो ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की साइट पे जाएं, देखिए देखिए, और वहां से आप इसे प्री बुकिंग करा सकते हैं। होम व्यू पॉइंट से थोड़ा आगे आते तो झील जैसा व्यू मिलेगा। डुल डुली आप उसने उसकी पकड़ दिया उसको गुरबट पड़ती ये कुश्ती करते हैं गाइस, बकवास करेगा भाई ने तो अपन में फ्री में एंटरटेनमेंट है। तो ये माता अपने बच्चों को गुर सिखा रही है, बुढ़गा भर रहा है। मम्मी 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 संगा मम्मी संगा ले भाई वो घुमा दिया, वो घुमा दी ले वो गया वो ले ऊपर से पापा आ गए, पापा पापा इनका मारेगा देखिए गुरमट। सो फाइनली गाइस अगेन हम आ चुके हैं सांझी छत, मतलब भैरव से आए हैं और ये से आया बिल्कुल सामने से उतर रहे हैं, और ज्यादा टाइम इस वाले रास्ते से गए थे और देर छत यार ये देखो। हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया, ये प्रसाद है इस टाइप का और काफ़ी टेस्टी है, और प्रसाद है माता का तो ले सकते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं, मतलब इतनी बार आया हूँ आज तक, मतलब मैंने ऊपर जाने की तो बनाई है लेकिन नीचे आने की कभी नहीं बनाई। तो अब हम नीचे जा रहे हैं दर्शन करके, दर्शन ठीक ठाक हुए, इसकी काउंटिंग है 76, तो मैं यहाँ से जाना है।
कितने बीस 11 बीस पहले मतलब ये टीन की शेड नहीं हुआ करती थी, ये सारी चीज़ नहीं थी, ये ग्रिल वगैरह कुछ नहीं थी। बहुत पुराने टाइम की बेंच है, लगभग 25-30 साल पहले की। बाद में बनी है वो ये सीढ़ियाँ, जो पहले की बनी हुई ये है, बिना ग्रिल की हुआ करती थी, तो इन पे चढ़ना होता था दोस्तों, देख लो। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं माता अर्धकुंवारी, और पीछे देख सकते हो, और हम जा रहे हैं सीधा पूछने, क्योंकि ग्रुप नंबर चल रहा है 340, हमारा है थोड़ा सा लेट। बच चुके हैं लगभग 3 और सीधा निकल गए हैं यार, अब माता अर्धकुंवारी से दर्शन हमारे हो गए यार। यहाँ के तो यार लगभग ये है कि हर बार जब भी आते हैं हो ही जाते हैं, आप पेशेंस रखो थोड़ा सा। इस टाइम पे तो वैसे ही श्रद्धालु आजकल कम चल रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे रहोगे तो पुलिस वाले बोल देते कि आप जाओ भाई, अगर आपका नंबर भी नहीं आप जाओ भाई। कैसे हो माता अर्धकुंवारी के दर्शन, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया ना। और ये हमारे पीछे यार पोडियम टाइप से का आता है, और यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह सब बनाते हैं, तो हम यहाँ पे भी नहीं रुक रहे कि भाई हम फोटोजेनिक नहीं है, वीडियोजेनिक है, तो ब्लॉगिंग करते हैं भाई। एक दो फोटो चाहिए वो चिपका देते इधर उधर से करके, पसंद आ रहा है ब्लॉग तो जय माता दी लिखना ना भूले, माता के सच्चे भक्त हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई श्रद्धालु नहीं आ रहा इतना ज़्यादा, आपके चांसेस है एक दो दिनों में बाद मतलब आपको पुरानी गुफा के दर्शन हो जाए। माता जी रुस चल रही है, बना लेंगे माता जी को भी यार, बाबा भैरव जी बना सकते तो हम भी बना सकते हैं यार, हम तो फिर भी उनके दर्शन के लिए ही आ रहे हैं। अगले ब्लॉग के अंदर दिखलाएंगे मार्केट का कहाँ से क्या खरीदना है, पूरी मार्केट में क्या है, तो हो सके ना यार मार्केट के अंदर होटल खरीदें, सही कह रहा हूँ, बहुत चिपेस्ट रेट मिल जाते हैं, अपना लोग लगा के जाएँ, घर से लोग लेके आए, विश्वास ना करें भाई किसी का भी, सही कह रहा हूँ, चोरियाँ होनी होती कहीं पर भी हो जाती है, डबल डबल चाबी होती है एक लोग की। सामने की तरफ जा रहा है हेमकोटी मार्केट की तरफ जा रहा है, मतलब ताराकोटी मार्ग से जाके टी पॉइंट पे जुड़ जाता है, और ये आगे भवन की तरफ चला जाता है, और एक रास्ता चला जाता है टी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ वाला चला जाता है नीचे कटरावर, हम इधर से सीधा ना जाके हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। दोस्तों हम ले रहे हैं सीढ़ियों का रास्ता, नयन लेके पैदल वाला रास्ता, यार हमारे साथ में कुछ क्या बताए, महान लोग हैं तो आराम। हम आ चुके हैं माता अर्धकुंवारी से 2 किलोमीटर दूर, बोल वाले आगे मेरे को इस बार भी लग रहा है मेरा कुछ चीज छूट गई पीछे, नहीं छूटी बात मेरे को लग रही है, अरे नहीं छूटी। इस तरीके का हर्षोल्लुक उल्लास देखने को मिलेगा जब भी माता वैष्णो देवी पे आएंगे, तो जाप करते रहिए और चलो ऐसा स्लाइडर चलते चलते ना, मतलब जब नीचे उतरते हैं तो सारा प्रेशर आता है अंगूठों पे, थंब पे, पैरों के, तो अब ले रहे हैं यार स्टेयर्स का सहारा नीचे उतरने में, अब इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा, अब तो मैं खटखट उतर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, घुटने हमारे ठीक हैं। जो रास्ता है सीधा जाएगा चरण पादुका पर गाइस, और चौथे गियर में उतर जाते हैं, कुछ नहीं रखा वो तो। और गाइस जब आप यहाँ से आओगे ना, देखो इतनी सस्ती मसाज 20 रुपये 15 मिनट, बहुत चीपेस्ट मसाज दे रहा है ये बंदा। तो गाइस फिर से आ गए भाई और बहनों, फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, थके होने के कारण आवाज ऐसी निकल गई, बाकी यार अभी भी एनर्जी पूरी है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर मार्केट में जाएंगे, देखते हैं मार्केट में कहाँ से क्या 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 है, कहाँ से क्या क्या खरीदा जा सकता है। तो गाइस फाइनली एकदम एग्जिट गेट के पास हम पहुँच गए हैं गुलशन कुमार जी के भंडारे के पास,
तो मैं दूर से दिखलाता हूँ ताराकोटी मार्ग, ये रहा ताराकोटी मार्ग सामने, और लेफ्ट साइड में आपके गुलशन कुमार जी का भंडारा। आपको नीचे से जाके हाथ वाथ देंगे, तीनों के नीचे आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा मिल जाएगा, जो मंदिर है वहाँ पे बनाया हुआ, उसके नीचे जस्ट लंगर लगता है, बैठा के सेवा दी जाती है। यहाँ पे आगे एक बॉक्स मिलता है जिसमें हमें RFID कार्ड ध्यानपूर्वक हमें उसे यहाँ पे सबमिट कराने होते हैं, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अगर हम नहीं कराते किसी भी कारणवश तो उसका 100 रुपये सिक्योरिटी चार्ज उसका डिडक्ट किया जाएगा। आप यहाँ से सबमिट कर रहे हैं क्या? तो फाइनली गाइस हम वहाँ से बाहर एग्जिट कर चुके हैं और सीधा आ गए हैं बाणगंगा चेक पॉइंट के बाहर। कुछ ऐसा व्यू है, कैसी रही हमारी जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताएं। माता के भक्त हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना तो दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो साल में लगभग 3 या 4 बार तो देखने को मिलेगी, बाकी और कहीं की भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग के अंदर, ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय हिंद जय भारत।